Hi students and parents, hope you all are well. Today our topic is pet and domestic animals. It is in our book 7, page number 41. Okay, यहाँ पे हम देखेंगे कि pet animal किसे कहते हैं। Pet animal मतलब जो animals को हम अपने पास रख सकते हैं, अपने घरों में रखते हैं और पालते हैं। और domestic animals वैसे animals होते हैं जो बरसों से हमारे साथ रह सकते हैं, ओके अगर हम उसे पालना चाहें तो पाल सकते हैं, हमारे घरों के पास रह सकते हैं और वो हमें कई एंगल से हेल्पफुल होते हैं। दैट इज नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी पेट एनिमल्स विद देयर यंग वंस। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पेट एनिमल और उनका जो बेबी होता है, ओके उनका जो बेबी होता है उनको क्या कहते हैं, यंग वंस, ओके और उनके नाम है। ओके, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ अ डॉग एंड पप, डी ओ जी डॉग, ए एन डी एन पी यू पी पप। ओके, डॉग और उसके बेबी को क्या कहते हैं, पप। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ अ कैट एंड किटन, ओके कैट और उसके बेबी को कहते हैं किटन, C A T cat, A N D N K I double T E N kitten, okay. Dogs and cats are kept as pets, okay. इनको हम अपने घरों में रख के पालते हैं, okay. So इनको हम घर में पाल सकते हैं। Now in next slide, here the domestic animals, young ones and their shelters. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो animals को हम अपने पास रख सकते हैं उनका बेबी का नाम देखेंगे और उनका जो घर है, ओके उनके जो घर बनाते हैं हम रहने के लिए उनको क्या कहते हैं, ओके उनका शेल्टर मतलब उनका घर, ओके ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको काऊ दिखाया है और उनका जो बेबी है दैट इज कॉल्ड काफ, C O W cow, A N D and C A L F, okay calf, cow and calf. आप यहाँ पे cow और calf देख सकते हो। Now in next slide, here there is an image of a buffalo and calf. Okay, buffalo यानी कि भैंस और उनका बच्चे को आप देख सकते हो, उसको भी calf कहते हैं। Okay, B U double F A L O, buffalo, A N D N C A L F, calf. Now in next slide, here there is an image of a shade, S H E D, shade. Cow and buffalo lives in shade. उनके जो घर है, उनका जो shelter है, वो shade है. Okay, हम ऐसा घर बनाते हैं जिसके अंदर वो अच्छे से रह सकते हैं. Okay, students. Now, in next slide, here there is an image of a goat and kid. Okay, a goat यानी कि बकरी और उसका baby जो होता है उनको kid कहते हैं. G O A T, goat, A N D and K I D, kid. Okay, students. Now, in next slide, here there is an image of a sheep and lamb. S H double E P, sheep. A-N-D-N-L-A-M-B, lamb. यहाँ पे हमने आपको भेड़ दिखाया है और उसके बच्चे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, lamb कहते हैं। Okay students, वो हमें wool देता है। Okay, now in next slide, here there is an image of a pen, P-E-N, pen. इसके अंदर goat और sheep को हम रखते हैं और इनके घर का नाम है pen. ओके, इस टाइप का वो बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ हॉर्स एंड फॉल, एच ओ आर एस ई, हॉर्स, ए एन डी एन एफ ओ ए एल, फॉल। ओके, यहाँ पे हॉर्स और उसका बेबी दिखा है उसको फॉल कहते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ स्टेबल, S T A B L E, stable. Horse को रखने के लिए इस टाइप का घर बनाया जाता है, उसको stable कहते हैं। Okay students, now in next slide, here there is an image of a donkey and foal.
donkey, donkey, anfoal, fall. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आपको डोंकी दिखाया है और उसकी बेबी को भी फॉल कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ फार्म, FARM. यहाँ पे हमने आपको फार्म दिखाया है. यहाँ पे डोंकी को डोंकीज यहाँ पे को हम रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज एन एक्टिविटी on page number 44 in your book number 7. Okay, यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो images है उसके साथ हमें वो animal हमें किस angle से helpful है उसको हमें match करना है. Okay students, the first image is cow. जो cow है that gives us milk. वो जो है वो आपकी book में थर्ड नंबर पे है. काउ क्या देती है? हमें मिल्क देती है. ओके, सेकंड नंबर इज ऑक्स. ऑक्स जो है वो फील्ड में जो खेत होते हैं वो जोतने के काम आता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाउ द फील्ड. हमें यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो है वो कौन सी है? प्लाउ द फील्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हॉर्स. हॉर्स जो है वो किस काम के लिए आता है? वो जो लोड होता है ओके वो कार्ट खींचने के लिए काम आता है. पुल्स द कार्ट जो आपकी बुक में यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है. ओके, फर्स्ट क्या है? प्लाउ द फील्ड है. सेकंड गिव्स अस वूल दिखाया है. उसके बाद गिव्स अस मिल्क है. उसके बाद कैरी हैवी लोड्स है एंड पुल द कार्ट जो है उसको आपको किसके साथ मैच करना है? हॉर्स के साथ मैच करना है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट देयर इज अ शिप. शिप किसके लिए काम आता है? शिप गिव्स अस वूल. जो वूल होता है उसमें से स्वेटर्स बनते हैं, गरम कपड़े बनाए जाते हैं. वो हमें कौन देता है? उसकी वूल में से बनता है. ओके, शिप जो है उसके वूल में से बनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट देयर इज अ इमेज ऑफ अ डोंकी. डोंकी क्या करते हैं? डोंकी कैरी हैवी लोड्स. कैरी हैवी लोड्स जो है वो कहाँ पे दिखाया है? वो आपकी बुक में फोर्थ नंबर की जो इमेज है उसमें दिखाया है कि वो लोड खींचते हैं. ओके, तो वो कौन करता है? वो डोंकी करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू कैन मैच दिस एक्टिविटी. ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम.